नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पावी का फ्लिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड वीडियो जो एक्चुअली फ्लूइड मशीनरी का है, जो मेरे को काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर क्या फ्लूइड मैकेनिक्स जरूर लेते हैं मगर फ्लूइड मशीनरी क्यों नहीं लेते। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज योर इम्पैक्ट ऑफ जेट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें आज का जो टॉपिक है दैट इज द फोर्स एक्जर्टेड बाय जेट ऑन अ स्टेशनरी प्लेट। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी से रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप डॉक्टर आर के बंसल की बुक को परचेज कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक और बढ़िया बुक है फ्रॉम योर मीन्स फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, भले वो केमिकल इंजीनियर यूज करता हो, मैकेनिकल करता हो या फिर सिविल इंजीनियर यूज करता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय योर स्टेशनरी मीन्स जेट के द्वारा कितनी फोर्स एक्सर्ट की जाती है आपके स्टेशनरी प्लेट पे। दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ स्टेशनरी प्लेट। तो देख लेते हैं, ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, ये हमारा पाइप है, ठीक है, दिस इज अवर पाइप। ओके, और ये है हमारा जेट, ठीक है, दिस इज अवर जेट। ओके, दिस इज अवर जेट। तो जो जेट है और ये जो मैं सामने बना देता हूं आपकी जो प्लेट है, जो वर्टिकल प्लेट है, ठीक, इसको मैं जरा शेड भी कर देता हूं, दिस इज वर्टिकल प्लेट। ओके, और ये फिक्स्ड है, याद रखिएगा ये स्टेशनरी है तो इसको हम फिक्स भी कर देते हैं यहां से। तो दैट मीन्स दिस इज अ सिंबल टू फिक्स इट, हम इसे फिक्स कर रहे हैं। ओके, तो अब यहां से इसका एक जेट इसमें से निकलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, ये निकला आपका जेट, ठीक है। ओके, और ये जेट की जो वेलोसिटी है, देखिए जब फ्लूइड इस पाइपलाइन के अंदर रहता है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं रहता है, वो प्रेशर अंडर प्रेशर होता है, यानी कि प्रेशर विल बी मोर देन डेफिनेटली योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डेफिनेटली ज्यादा प्रेशर ही होगा यहां पे, मगर जैसे ही वो बाहर निकलता है वो सब्जेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। ओके, फिर ये जेट स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा, ये जेट यहां पे निकलेगा। ओके, अब इसमें कुछ डायमेंशंस हैं कि इसका जो डाया है दैट इज योर स्मॉल डी कर देता हूं। ओके, डेफिनेटली इसका क्या होगा डाया, दिस इज योर स्मॉल डी, डी तो आपको नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज स्मॉल डी, क्लियर हो गया। ओके, और इसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से जेट आपका ट्रेवल कर रहा है, दिस इज योर वी वन। सपोज एवरीवेयर वेलोसिटी विल बी, क्योंकि जब तक इसका डाया कॉन्स्टेंट रहेगा तब तक वेलोसिटी हर जगह पे एवरेज वेलोसिटी जो है वो v1 ही रहने वाली है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, और अगर इसका एरिया देखते हैं, सपोज अभी देखिए एरिया मतलब क्या होता है, वो वाला एरिया जो यूटिलाइज किया जा रहा है फ्लूइड द्वारा बहने के लिए। तो फिलहाल तो आपको ये सिर्फ एक पाइपलाइन ही दिख रही है, मगर ये जेट है वाटर का, तो अगर इसका एरिया होगा तो सर्कुलर वे में होगा, समझ रहे हैं। ओके, और वो जो निकल रहा होगा ये वाला एरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका एरिया है स्मॉल a, तो एरिया, अब ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो इसका एरिया क्या होगा, जैसे पाई आर स्क्वायर, मगर मेरे को डायमीटर के हिसाब से लिखना है तो दिस विल बी पाई डी स्क्वायर, क्योंकि मैं बोल चुका हूं इसका डाया क्या है स्मॉल डी, तो पाई डी स्क्वायर बाय फोर। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि फ्लो होने के लिए जो एरिया यूटिलाइज किया जाता है। अब क्या होगा, जैसे ही स्ट्राइक होगा, मतलब ये जो जेट है, अब इसमें कुछ लेयर्स भी मैं बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा इजी लगे, देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। अब ये फ्लूइड लेयर्स हैं जो चल रही है, ठीक है। ओके, अब जैसे ही इस स्टेशनरी प्लेट के साथ, अभी देखिए ये जेट, ये जो स्टेशनरी प्लेट है ये जेट को 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि जेट जो है प्लेट के सामने खड़ा है, दैट मींस ये जो जेट है स्टेशनरी प्लेट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये जैसे ही आपका जेट इस प्लेट से टकराएगा तो यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, एक्स डायरेक्शन में टकराने के बाद, ठीक है। तो यहां पर जो इस पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट पे बोलूंगा, ठीक, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वी टू ले लेते हैं टकराने के बाद, और वो वी टू क्या हो जाएगी, हमारी v2 हो जाएगी, दिस इज योर वेलोसिटी जीरो, यानी कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी सेक्शन टू पे, यहां पे हमने सेक्शन टू कहीं पर लिया है टकराने के बाद, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो x डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में आपका ये जेट जा रहा है, टकराने के बाद हो जाएगा v2 इक्वल टू जीरो। ओके, अब टकराने के बाद ये जो क्या बोलते हैं आपका जो जेट है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, तो लगभग इस जगह इस तरह वो मुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे लगभग जाएगा, इसमें भी फ्लूइड लेयर्स बना देता हूं। ओके, और जेट ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ये थोड़ा सा प्लेन सीधा नहीं बना, मैं इसको सीधा बनाता हूं, ठीक, तो ये जेट निकल जाएगा आपका सीधा। ओके, तो लाइक दिस वे इट विल लुक लाइक। ओके ओके, और अगर हम ये भी मान लेते हैं कि ये जो जेट है आपकी स्टेशनरी प्लेट के साथ टकराया है, ठीक है,
और टकराने के बाद कुछ एनर्जी का लॉस नहीं होता है अगर ये प्लेट बहुत स्मूथ है, तो इस दौरान एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो जो आपकी जेट जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी वही वेलोसिटी के साथ वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, दैट इज योर V1। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर हम मान लेते हैं कि हमारी प्लेट स्मूथ है और टकराने के बाद एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, तो डिफ्लेक्ट होने के बाद जो वेलोसिटी से ये ट्रेवल करेगा 90 डिग्री किसकी प्लेट के साथ साथ, वो भी वेलोसिटी आपकी V1 ही होने वाली है। तो अब हमें क्या पता करना है कि हमारा जो चैप्टर है दैट इज इंपैक्ट ऑफ जेट। इंपैक्ट ऑफ जेट का क्या मतलब है कि क्या फोर्स, कितनी फोर्स अप्लाई की जाएगी इस जेट द्वारा स्टेशनरी प्लेट के ऊपर। तो इसे बताया जा सकता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको कहा जाता है इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन भी। तो हम देखते हैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, हमारा क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, तो दैट इज योर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि जो भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि जेट आपका एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जो भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में दी जानी है जेट के द्वारा प्लेट के ऊपर, वो दी जा सकती है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब आपको मालूम है एफ एक्स, ओके, ये जो मास है लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन आपको मालूम है हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम टेकन, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है फर्दर v2 माइनस v1 अपॉन dt चेंज इन टाइम टेकन, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज योर t2 माइनस t1। अगर आप देखेंगे v2 इज योर फाइनल वेलोसिटी, v1 इज योर इनिशियल वेलोसिटी, t2 इज योर टाइम टेकन सेकेंड, यहां पर t1 इज योर इनिशियल टाइम, ठीक है, मगर फिलहाल हम v1 की जो वैल्यू है, देखिए अब हम इसको अच्छे से लिखेंगे, दैट इज योर a की जगह मैं क्या लिखूंगा dv बाय dt, क्लियर हो गया जी, ओके, हाँ, इस केस में मैंने v2 पहले लिया है क्योंकि हमारी फाइनल वेलोसिटी है, मगर अगर आपको फोर्स ढूंढनी है जेट द्वारा प्लेट के ऊपर, तो ये v1 सबसे पहले आ जाएगा, ठीक, तो देयरफॉर हम और अच्छे से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओके, तो दिस इज योर dv को लिखेंगे, दिस इज योर v1 माइनस v2, क्लियर हो गया, ओके, और dt को हम ऐसे ही लिखते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके, अब हम यहां पर लिखते हैं देयरफॉर fx, ये जो फोर्स है x डायरेक्शन में जेड द्वारा प्लेट के ऊपर, और कैसे लिखेंगे, अब एक काम करते हैं, हम कैसे लिखेंगे, m को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और m जो है इज नथिंग बट योर मास ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, तो अब हम अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी m v1, देन माइनस आएगा, देन m अंदर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज m v2 अपॉन टाइम टेकन, दैट इज योर dt। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये क्या होता है mv1, ये होता है मोमेंटम, क्या होता है मोमेंटम, ठीक है, कोई भी चीज जब चलती है तो डेफिनेटली कुछ वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती है, तो उसका कुछ मोमेंटम तो होगा ही होगा, ओके, तो मोमेंटम कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ओके, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है मास बहुत कम है तो भी मोमेंटम ज्यादा है, अगर वेलोसिटी कम है मास बहुत ज्यादा है तो भी मोमेंटम कम है, अगर मास और वेलोसिटी दोनों कम है तो फिर मोमेंटम कम हो जाएगा, या फिर अगर मास और वेलोसिटी ज्यादा है तो भी मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा fx mv1, तो दैट मींस दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, क्या होगा ये इनिशियल मोमेंटम, तो यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं मोमेंटम की, माइनस योर, फिलहाल मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि ये तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, हमारे पास स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम, मतलब यहां का मोमेंटम, तो दिस इज योर फाइनल मोमेंटम, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मोमेंटम, ठीक है, ओके, अपॉन dt इज टाइम टेकन, क्लियर हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं fx कैन बी रिटन एज, तो ये जो फोर्स दी गई है जेट के द्वारा जो अप्लाई की गई है प्लेट के ऊपर, इसको लिखा जा सकता है इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, मगर याद रखिएगा जब हम टाइम से रिलेशन निकालते हैं तो ये पूरी चीज इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन कहलाती है, इसी को कहा जा सकता है रेट, हम इसलिए यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि नीचे टाइम आ गया है, तो ये पूरी चीज को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो फोर्स है जेट द्वारा आपके प्लेट पे दी गई है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब ये तो हो गया, ओके, तो अब आप समझ गए होंगे, फिलहाल मैं ये मिटा देता हूं, तो मैं क्या करता हूं अभी वापस करता हूं एक काम, दैट fx था, ओके, m कॉमन निकाल देता हूं थोड़ी देर के लिए, दिस इज v1 माइनस v2 अपॉन
टाइम, यही मतलब है। डीटी इज नथिंग बट द चेंज इन टाइम, दिस इज टाइम। और अच्छे से अगर थोड़ा गौर करेंगे, ये जो मास अपॉन टाइम है, दिस इज मास फ्लो रेट, फ्लो रेट, मास फ्लो रेट। फाइनली दिस इज नथिंग बट अ चेंज इन वेलोसिटी, v1 माइनस v2। याद रखिएगा यहां पर मैंने v2 माइनस v1 लिखा है, इस केस में v1 माइनस v2 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है फोर्स जो अप्लाई की गई है, जो दी गई है जेड द्वारा प्लेट के ऊपर। तो पहले आएगा आपका v1, दूसरे में आएगा आपका v2। अगर आप उल्टे डायरेक्शन में, क्योंकि आपको मालूम है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक एक्शन का उल्टा रिएक्शन होता है। अगर आपको फाइंड आउट करनी फोर्स जो दी गई है आपकी प्लेट द्वारा जेट के ऊपर, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहां पर v2 आ जाएगा और यहां पर v1 आ जाएगा। मगर हमें क्या ढूंढना है, फोर्स जो दी गई है फिलहाल जेट के द्वारा प्लेट के ऊपर, तो वेलोसिटी v1 सबसे पहले आएगी और v2 बाद में आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज योर एफएक्स। ओके, अब ये तो हो गया आपका मास फ्लो रेट। तो आपको मास फ्लो रेट लेके आना है। अगर आप मास फ्लो रेट की यूनिट देखेंगे, देखिए मैं यहां पे यूनिट लिख देता हूं, ठीक है। मास फ्लो रेट की यूनिट क्या होगी, केजी पर सेकेंड। लेट मी चेंज माय कर्सर, ओके, दिस वन स्केच, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ओके, मास फ्लो रेट क्या है उसकी यूनिट देखिए, केजी पर सेकेंड। ओके, दूसरी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, कुछ वेलोसिटी निकल के आएगा, तो दिस इज मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब आप देखिए, अगर ये फोर्स सही में हमें कैलकुलेट करनी है तो इसकी यूनिट न्यूटन में आनी ही चाहिए। तो अब आपको मालूम है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लिखा जा सकता है न्यूटन। तो आप देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है आपकी न्यूटन की यूनिट में। आई होप आपको ये समझा होगा। फिलहाल ये सिर्फ समझाने के लिए था, फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं। तो हमें मास फ्लो रेट कैसे लेके आना है, ठीक है, आपको मालूम है, एक काम करता हूं, ठीक है, मैं इसकी यूनिट को लिख ही देता हूं, केजी पर सेकंड था इनटू मीटर पर सेकंड। ये समझाने के लिए था कि ये न्यूटन ही आएगा, फिलहाल मैं इसको करता हूं यहां पे, ठीक है। तो देखिए, तो मेरे को क्या लेके आना है, देयरफॉर एफएक्स इक्वल टू, ओके, मेरे को मास फ्लो रेट लेके आना है। तो सबसे पहले मास फ्लो रेट की यूनिट है केजी पर सेकंड, मतलब मेरे को ये टर्म लेके आनी है। तो ये कैसे आएगी, तो हम डेंसिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। इस मान लेते हैं कि इस लिक्विड की जो ये जेट है, ये जो लिक्विड है, इसकी डेंसिटी क्या है, रो। तो हम यहां पर रो लेके आते हैं, मगर आप देखिए इसकी यूनिट जो है केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, केजी पर सेकंड। अभी तक आपका सेकंड नीचे नहीं आया, तो हमें सेकंड कैसे लाना पड़ेगा, कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये है, इसमें मीटर क्यूब भी आ गया है, इसमें मास तो आ गया है मगर नीचे मीटर क्यूब है, मगर यहां पर हमें नीचे मीटर क्यूब नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो मीटर क्यूब तो कैंसिल हो गए, मगर प्रॉब्लम है नीचे सेकंड नहीं है, डेफिनेटली कोई ऐसी टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जो मीटर क्यूब पर सेकंड लेके आए। तो वो क्या है, ये किसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकंड, ये होती है आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की, यानी कि डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल क्यू, ठीक है। ओके, चलो ये तो हो गया। बाद में क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। देखिए मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, केजी पर सेकंड आ गया। अब लाना है मीटर पर सेकंड, तो ऑलरेडी यहां पर वेलोसिटी तो था ही, समझ गए। तो ये आ गया हमारा v1 की तो डेफिनेटली वेलोसिटी है यहां पर, तो देयरफॉर दिस इज v1। मगर v2 स्ट्राइक होने के बाद, यानी कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो जेट के डायरेक्शन में है, स्ट्राइक होने के बाद v2 जीरो हो जाएगा, तो देयरफॉर दिस इज जीरो। तो इसकी यूनिट क्या है v1 की, दिस इज मीटर पर सेकेंड, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब हो गया केजी पर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड, तो दैट मीन्स ये तो न्यूटन आएगा, ठीक है। फिलहाल अब मैं और मिटा देता हूं, तो देयरफॉर एफएक्स कैन बी रिटन एज रो इंटू क्यू। अब आपको मालूम है क्यू कैन बी रिटन एज ए इंटू वी, समझ गए। तो ये क्यू लिखा जा सकता है, मगर यहां पर जो जेट का एरिया हमने लिया था दैट इज स्मॉल ए, सो देयरफॉर दिस इज स्मॉल ए। और यहां पर जो वेलोसिटी है आपके सेक्शन, मतलब सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पर कहीं पर भी ले लीजिए, दैट इज v1। तो यहां की जो वेलोसिटी होगी हम v1 लिखेंगे, ठीक। तो फिलहाल मैं यहां पर q की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं a इंटू v1 एंड फाइनली, ठीक है, ये मैंने q की जगह लिखा है और फाइनली यहां का जो v1 है वापस लिखा है। सो जो फोर्स है x डायरेक्शन में वो लिखी जा सकती है रो ए v1 स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये फोर्स जो थी एक्स डायरेक्शन में जेट द्वारा प्लेट को दी गई है, मगर अगर आप प्लेट द्वारा जेट के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई की गई है, अगर आपको ये ढूंढनी है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो v1 माइनस v2 था, ठीक है, यहां पर v2 सबसे पहले आ जाएगा और v1
बाद में आएगा। और आपको मालूम है ये तो क्या हो जाता था, जीरो ही होना था। तो ये जो यही चीज समझ रहे, ये तो था जेट के द्वारा प्लेट के ऊपर फोर्स। तो आपका ये एक्स डायरेक्शन में ही रहेगा मगर ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। जो ये वाली वो जो फोर्स होगी जो प्लेट द्वारा आपके जेट के ऊपर फोर्स लगाई गई बट विद नेगेटिव साइन के साथ। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही मीन्स अच्छे वीडियोस, दमदार वीडियोस चाहते हैं मेरे से तो प्लीज डू मीन्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ताकि मैं ऐसे ही फ्लूइड मशीनरी पे और वीडियोज लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।